फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ किचन में, आज मेरे हस्बैंड सब्ज़ी बना रहे हैं। तो उन्होंने बनाया है न्यूट्रीला, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। और आज उनके अंदाज में देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने न्यूट्रीला बनाया है एक अलग अंदाज में। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुपर सॉफ्ट और जूसी सोया चंक्स बनके तैयार हुए हैं हमारे। एक बार खाओगे ना आप तो नॉनवेज खाना भूल जाओगे एकदम यूनिक स्टाइल में। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और सोया बड़ी निकाल ली हैं न्यूट्रीला। तो अभी हम इनको गर्म पानी में डिप कर देंगे। तो आज ये सब्ज़ी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। तो सबसे पहले हम इस गर्म पानी हमने लिया है, इसमें हम अपना ये न्यूट्रीला को डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से फूलने के लिए। उसके बाद इसको 4 से 5 बार हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे न्यूट्रीला की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ली है कुछ प्याज, 3 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, न्यूट्रीला जो कि हमने गर्म पानी में डिप करके रख दिए। तो मैं बारीक नहीं काटूंगा प्याज को, मैं उनमें से बीच में से काट के और उनकी लेयर्स निकाल दूंगा, क्योंकि हम इसको भुर्जी की फॉर्म में बना रहे हैं। तो मैं अभी साइड में रख रहा हूं प्याज, बाद में हम इसको लेयर्स में काट लेंगे। टमाटर है जो कि हम बारीक काटेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसी तरह से हरी मिर्ची और अदरक को भी कट कर लेंगे। सारी सब्जियाँ कट के तैयार हो गई हैं। ये देखिए इनके प्याज के टुकड़ों को निकाल लिया है। अब यहाँ जो हमने भिगो के रखा था ना अपना सोयाबीन, उसको इस तरह से स्क्वीज़ करके अच्छे से 4 से 5 बार वॉश कर लेंगे। जब तो हमने ले ली है कढ़ाई, हमारी कढ़ाई चढ़ गई है और हम पहले 2 चम्मच डालेंगे रिफाइंड। तो हमने पहले डाल दिया जीरा, जीरा के बाद हम डाल लेते हैं अपनी अदरक और हरी मिर्च। अब फ्राई करते हैं। हम डाल देते हैं प्याज, टमाटर, और हमने अब टमाटर भी डाल दिए, और हम अब अपना इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल रहा हूं मैं हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ये थोड़ा सा हींग और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। तो अब हम ऐड कर देते हैं अपने मसाले में न्यूट्रीला।
इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर। ये थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, अब इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे हम इसको, जब तक कि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसका मॉइस्चर सुखा लेंगे सारा, और ये हमारा ड्राई सोया चंक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो देखा, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से आज सोया चंक्स बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, खाने में एकदम डिफरेंट था, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है हमने इसमें, इसको चला लेंगे और ये हमारी सोया चंक्स की रेसिपी बनके रेडी है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल लेंगे फ्रेश, और ये सोया चंक्स की डिलीशियस सी सब्जी बनके रेडी है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई, बच्चों ने भी बड़ा खुश होके खाया, सबको बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस तरीके से बनाइए, आपको अच्छी लगेगी, बार बार आप खाना पसंद करेंगे इसे। सर्विंग प्लेट में डाल लिया है हमने इसे, और देखिए देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। गार्निश कर लिया है थोड़े से धनिया पत्ते से, और रेडी हो गई है हमारी सोया चंक्स की टेस्टी सी रेसिपी। एक बार बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स इस तरीके से, बहुत पसंद आएगी घर में सबको। और आपके घर में गेस्ट वगैरह आए तो आप, अगर कोई सब्जी ना हो तो आप फटाफट से इसको बना के रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार प्रेस करके दिखा देती हूँ, कितने सुपर सॉफ्ट और जूसी सोया चंक्स बनके हमारे रेडी हुए हैं। एक बार खाओगे तो नॉनवेज खाना भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स, हमारी तो डिनर की थाली लग गई है, आप भी आइए खाइए और घर में सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।